तो रमज़ान मेकिंग इजी प्रिपरेशंस और कैसे कि मैंने लविश डेकोर कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना टाइम रमज़ान में बचा सकते हैं, इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी भी यही कोशिश थी, तो शेयर कर रही हूँ अपनी सारी प्रिपरेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय यम्मी क्रिएशंस। होप यू आर वेल टुडे। माय नेम इज़ इकरा। आई ब्रिंग टुडे फॉर यू वेरी ग्रेट वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू माय प्री प्रेप एंड ब्यूटीफुल डेकोर फॉर रमज़ान। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड होप यू हैव अ ग्रेट रमज़ान दिस ईयर। विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं ग्रीन चटनी, जो कि मैंने बनाई है कोरिएंडर, धनिया, पुदीना और साथ में फ्रेश ग्रीन चिली, जिनकी मैंने स्टेम फ्रिज में स्टोर किया था, और साथ में एक लेमन। लेमन से है कि उसकी जो आपकी चटनी है वो बहुत देर तक फ्रेश रहती है। तो ले रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर, पुदीना, उसमें दो तीन हरी मिर्चें और लेमन जूस डाल के उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और मैं इसको फिर स्टोर कर लूँगी कंटेनर्स में, इस तरह से आइस क्यूब्स कंटेनर्स अब मैंने लिड के साथ लिए हुए हैं। तो इसमें मैं डाल कर फ्रीज कर दूँगी, जब कभी मुझे कोई चटनी, रायता या दही भले बनाने हो तो अवेलेबल रहेगी। इसको फिर अप टू वन मंथ स्टोर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ग्रीन अनियन की तरफ। इसको भी इसके स्टेम्स और ग्रीन पार्ट के साथ अच्छे से चॉप करके, अगर आप ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ कर दें तो कोई ऑमलेट बनाना हो या चाइनीज़ कोई दिल जा रहा है तो बहुत सारी मेन्यूज़ में इसको, और ये फ्रेश रहती है काफ़ी देर फ्रीज़र में। सिमिलरली जिंजर गार्लिक पेस्ट, हर खाने की जान। गार्लिक को मैंने इस तरह से पील करके उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के उसको चॉप कर लिया है, और इसी तरह से मैं जिंजर को भी 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के, इससे इसका जो एक टेक्सचर है वो बरकरार रहता है, ये प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पर काम करता है। इसको भी आप पहले आइस क्यूब्स कंटेनर्स में डालकर लिड के साथ, ताकि उसकी स्मेल बाकी चीज़ों में ना जाए, फ्रीज़ कर दें और निकाल के जिप लॉक में डाल लें। चलते हैं स्प्रिंग रोल्स की तरफ, जिसके लिए मैंने चिकन काट लिया है। ये मेरा अपना तरीका है इसको बनाने का, सबका अपना अपना होता है। तो इसके साथ मैंने सोया सॉस, अनियन, कैबेज, चिली फ्लेक्स, नॉन सॉल्ट, पेपर सब निकाल के रख लिया और जो गार्लिक पेस्ट रेडी कर ली। सबसे पहले ऑयल में मैंने सौते किया चिकन को, उसको जब कलर चेंज हुआ तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, पेपर एंड चिली फ्लेक्स। उसके बाद जब उसकी भुनाई हो गई तो मैंने एंड पे सोया सॉस डाल के और उसमें कैबेज डाल के उसको जस्ट एक से दो मिनट भुनाई की और वो डन हो गया। फिलिंग में मैं इसके साथ मोज़रेला ज़रूर डालती हूँ, इससे मुझे अच्छा अपना फ्लेवर आता है और चीज़ का जो मुंह में मेल्ट होके आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और एग वॉश के साथ मैं इसको बंद कर दूँगी। इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी करके मैंने जिप लॉक में डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया। इसी तरह से छोटी छोटी प्रिपरेशंस करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। चीज़ के साथ आप इसको बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह से आप समोसों की भी फीलिंग कर सकते हैं, करके आप उसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज कर दें और आप अप टू वन मंथ यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल शीट्स मेरी मार्केट से बाय की हुई है। इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, जिप लॉक में डाल दें या कोई भी एनवेलप जो एयर टाइट कंटेनर में डाल दें। अब चलते हैं अपनी कंटेनर्स को रीफिल करने के लिए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को रीफिल करके रख देते हैं पहले से तो आप तब भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, इबादतें आप अच्छे से करते हैं। मैंने अपने आटा, फुल कॉर्न, हाफ कॉर्न और साथ में चीनी, अचार, जो भी सहरी इफ्तारी में मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं उनको रीफिल करके रख दिया। इससे भी बहुत टाइम सेव हो जाता है और आपकी हर चीज़ आपके सामने पड़ी हुई होती है और आपको टेंशन नहीं होती। अब चलते हैं चिकन शामी कबाब, जो कि मैंने तैयार किए। पहले चिकन शामी कबाब के लिए मैंने 2 कप चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और ड्रेन कर दिया इसका पानी, ये डाल दूंगी। साथ ही मैं लिया 600 ग्राम चिकन, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 मीडियम साइज की अनियन जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया वो डाल देते हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून शामी कबाब मसाला, शान का, 2 कप पानी,
पानी डाल के मैंने इसको बंद करके प्रेशर को पहली विसल आने के बाद 7 से 8 मिनट प्रेशर में बनाया। उसके बाद निकाल कर उसको हाथ की मदद से मैश किया, क्योंकि इससे रेशे बनते हैं। आप चेक करें कितना अच्छा रेशा बना है। अब जैसे मिक्सचर ठंडा हो गया, मैंने ब्लैक पेपर और साथ में गरम मसाला, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, एक अंडा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके बना लिए कबाब। या आप रमज़ान में बर्गर्स बनाएं, या आप किसी भी पराठे के साथ सर्व करें, या किसी भी दाल चावल के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। और ये मैं ख़त्म नहीं होने देती। मटन के शामी कबाब मैं इससे में लड़ी बनाती हूँ, और फिर बनाकर इसको पहले बटर पेपर पर इस तरह से रख के फ्रीज करती हूँ और निकाल कर फिर इसको जिप लॉक में डाल दूँगी। आई नो आप सब किचन क्वींस जो हैं इसको बहुत अच्छे से करती होंगी, सब रमज़ान प्रिपरेशंस। अब बारी है डेकोर की अपने इस एरिया को रमज़ान के लिए, और मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं। फिर मैंने की स्टार्ट अपनी डेकोरेशन, बस छोटी छोटी चीज़ों से अच्छी लगती हैं, आपकी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। और एब्रॉड्स में रहते हुए तो आपको ये ज़्यादा अपने इस चीज़ को आप मिस करते हो, पाकिस्तान को, उसकी खुशी को, ये सेलिब्रेशंस को। और छोटी छोटी चीज़ों से, डेकोरेशन से आपको अच्छा लगता है रमज़ान का महीना। तो ये है रनर, टेबल रनर। ये सब डेकोर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये मुझे लास्ट वीक पहुंचा है। और साथ में मैं ये नंबर्स वाला जो बहुत ही क्यूट था, इस तरह से मैंने सारी सेटिंग अपनी कर दी। होप यू विल लाइक इट। माय किड्स वर सो हैप्पी, दे वर क्लैपिंग बिहाइंड लिटरली दैट वी आर सेलिब्रेटिंग रमदान। अभी मैं आपको उनका स्पिरिट भी दिखाऊंगी जो उन्होंने अपनी ड्राइंग के थ्रू और अपने रूम को डेकोर करने के थ्रू मुझे दिखाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी भी एक वो क्लिप्स मैं आप इसमें ऐड करूँगी, आप वो भी देखिएगा। तो इस तरह से हैंगिंग्स मैंने हैंग की, और ये कैलेंडर है रमदान का, और ये लाइट्स और ये टेबल, ऑल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये एक व्यू लाइट्स ऑफ के साथ, एक फीलिंग ही और है। तो ये बच्चों के रूम्स के बाहर भी डेकोर हुआ। ये मेरा लास्ट ईयर का था रमदान का टेबल रनर, जिसको मैंने यहाँ से इस तरह से यूटिलाइज किया, और उन्हें अपनी ड्राइंग के साथ ये कॉर्नर रेडी किया, बहुत ही क्यूट लग रहा है। So my dear ones, hope you like it. If you like it, like and share my video and subscribe my channel. I will meet you in next video very soon. Till then, take care. Bye-bye.